हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब के कमाल के अपडेट के बारे में। अगर आप भी एक शॉर्ट्स क्रिएटर हो तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। दोस्तों, वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर देता बट मुझे कोल्ड था और उसके कारण एक हफ्ते से मेरे चैनल पे वीडियोस नहीं आ रही थी, बट अब फाइनली मैं वीडियोस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस अपडेट के बारे में। अब दोस्तों, इस अपडेट के बाद हुआ क्या है कि यूट्यूब पे शॉर्ट्स की लेंथ को इंक्रीज किया गया है। जो शॉर्ट्स अभी तक हम लोग 60 सेकंड का अपलोड करते थे, अब दोस्तों आप उसे 3 मिनट तक का भी अपलोड कर सकते हो। यस दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है यूट्यूब पे। और अब इस चेंज के बाद जो शॉर्ट्स के क्राइटेरिया हैं, जो रूल्स हैं, उन सब के बारे में आपको बात करूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हुआ है इस 3 मिनट शॉर्ट्स में। मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया क्या होगा, कॉपीराइट के क्या रूल रहेंगे, अर्निंग का क्या फैक्टर है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस अपडेट के बारे में, ये जो अपडेट है ये शॉर्ट्स की लेंथ से रिलेटेड है। इंक्रीजिंग शॉर्ट्स लेंथ स्टार्टिंग ऑन अक्टूबर 15, 2024, क्रिएटर्स कैन अपलोड शॉर्ट्स अप टू 3 मिनट्स इन लेंथ। यस दोस्तों, अब आप अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो शॉर्ट्स अपलोड करते हो वो अप टू 3 मिनट तक का भी अपलोड कर सकते हो, मतलब 2 मिनट 59 सेकंड। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है। और अब इस चेंज के बाद जितने भी शॉर्ट्स क्रिएटर हैं उनको और भी ज़्यादा ड्यूरेशन मिलेगा वीडियो को रिकॉर्ड करने में। और अब इस अपडेट के बाद जो भी क्रिएटर शॉर्ट्स फीड में अपना वीडियो अपलोड करते थे, अब यहाँ पे उनको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे इसके बाद जो क्राइटेरिया है वो तो चेंज हुआ ही है, साथ ही साथ इस 3 मिनट लेंथ के शॉर्ट्स में जो कॉपीराइट इशू है उसे भी दोस्तों अलग से चेंज किया गया है। तो ये जो शॉर्ट्स लेंथ का अपडेट है, इसका जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग क्रिएटर पे अलग अलग तरीके से आएगा। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये जो अपडेट हुआ है, इसमें अगर आप एक ऐसे क्रिएटर हो जिसका जो वीडियो कॉन्टेंट रहता है वो अप्रॉक्स 1 मिनट टू 2 मिनट तक ही रहता है, तो आपको दोस्तों अब और भी टाइम मिल रहा है अपने पूरे कॉन्टेंट को अपलोड करने का। क्योंकि बहुत बार होता क्या है, 60 सेकंड के कारण अगर आप कोई कॉन्टेंट बना रहे हो वो 1 मिनट 15 सेकंड का बना, तो 15 सेकंड वाला पार्ट शॉर्ट्स में कट हो जाता था। बट अब दोस्तों ऐसा नहीं होगा, आपको प्रॉपर 3 मिनट का पूरा टाइम मिल रहा है, तो आप शॉर्ट्स में भी बहुत इजीली अपने कंटेंट को अपलोड कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे पर उन लोगों को भी ध्यान देना है कि अगर बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनके वीडियोस में कुछ कॉपीराइटेड मटेरियल रहता है, जिनके शॉर्ट्स में ज्यादातर कॉपीराइट से रिलेटेड प्रोडक्ट रहते हैं, तो अभी तक 60 सेकंड के शॉर्ट्स में वो बहुत इजीली कोई भी कॉन्टेंट अपलोड कर देते थे। बट यहाँ पे दोस्तों अब आपको और भी ध्यान देना है। और अब मैं आपको बताऊंगा इस 3 मिनट के शॉर्ट्स के सारे क्राइटेरिया के बारे में और 60 सेकंड के शॉर्ट्स के कंपैरिजन में क्या कुछ इसमें अलग रूल है। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉपीराइट की। दोस्तों, कॉपीराइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं सबसे पहले कवर कर रहा, क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगी कि जैसे 60 सेकंड का शॉर्ट्स है वैसे ये भी शॉर्ट्स है। बट नहीं दोस्तों, अभी तक होता क्या था यूट्यूब पे, जो हम लोग 60 सेकंड का शॉर्ट्स अपलोड करते थे उसकी कॉपीराइट पॉलिसी लॉन्ग वीडियो के कंपैरिजन में बहुत ही अलग थी। आप बहुत ही इजीली शॉर्ट्स में कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल भी अपलोड करते थे, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक या बॉलीवुड सॉन्ग कुछ भी यूज़ करते थे, तो वहाँ पे आपके चैनल पे वो इम्पैक्ट नहीं आता था। बट ये जो 3 मिनट का शॉर्ट्स है, इसका जो कॉपीराइट रूल है वो सेम एज इट इज़ लॉन्ग वीडियो की तरह है। और अगर आप इसमें कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल का यूज़ करते हो तो आपको प्रॉपर कॉपीराइट क्लेम आएगा। साथ ही साथ अगर आप अब इस अपडेट के बाद 3 मिनट के शॉर्ट्स में कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल या कुछ भी ऐसा यूज़ करते हो किसी का, तो यहाँ पे आपका वीडियो ब्लॉक भी हो सकता है। तो इस चीज़ का सभी शॉर्ट्स क्रिएटर को ध्यान देना है। अब बात करें सेकंड पॉइंट की, मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी तक जो 60 सेकंड का शॉर्ट्स था उसमें दोस्तों 10 मिलियन व्यूज़ का क्राइटेरिया था, तो बहुत से लोगों को ये डाउट होगा कि क्या ये जो 3 मिनट का शॉर्ट्स है इसमें वॉच टाइम काउंट होगा कि नहीं। क्योंकि दोस्तों 60 सेकंड बहुत ही कम टाइम होता है, बट 3 मिनट का अगर कोई क्रिएटर शॉर्ट्स अपलोड कर रहा है तो उसका वॉच टाइम ऐड होना चाहिए। बट नहीं दोस्तों, इस अपडेट में ये जो 3 मिनट का शॉर्ट्स है इसमें भी सभी क्रिएटर को मोनेटाइजेशन के लिए 10 मिलियन व्यूज़ ही चाहिए लास्ट 90 डेज में। आपका ये जो 3 मिनट का शॉर्ट्स है इसका भी सिर्फ व्यूज़ ही काउंट होगा अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। और अब बात करें थर्ड पॉइंट अर्निंग की, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी क्रिएटर्स के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जैसे 60 सेकंड का शॉर्ट्स होता है
उसमें जितनी आपकी अर्निंग होती है जो बहुत ही लो अर्निंग है, सेम एज इट इज आपको दोस्तों इस 3 मिनट के शॉर्ट्स में भी अर्निंग देखने को मिलेगी। क्योंकि बहुत से लोगों को ये डाउट होगा कि जो 3 मिनट का शॉर्ट्स है उसमें प्रॉपर एड्स रन होगा या लॉन्ग वीडियो की तरह इसकी अर्निंग होगी, बट नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ रहा है इसकी भी अर्निंग सेम एज इट इज आपके 60 सेकंड शॉर्ट्स की तरह ही होगी। तो यहाँ पे अगर बात करें रेवेन्यू जनरेट करने की, तो इस 3 मिनट के शॉर्ट्स में भी जो क्रिएटर है उसको सेम एज इट इज 60 सेकंड वाला शॉर्ट्स की अर्निंग ही मिलेगी। तो मैंने आपको 3 मिनट शॉर्ट्स की सारी डिटेल बता दी, रेवेन्यू से रिलेटेड, मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया से रिलेटेड और कॉपीराइट से रिलेटेड। अब अगर बात करें ओवरऑल व्यू की कि ये जो अपडेट है ये कैसा है, तो वैसे दोस्तों प्रैक्टिकली अगर देखा जाए सिर्फ शॉर्ट्स ड्यूरेशन की, तो वहाँ पे तो बहुत ही अच्छा है कि अगर आप कोई कंटेंट अपलोड करते हो और आपका ड्यूरेशन 1 मिनट से ज़्यादा है और वो कटआउट होता है, तो अब इस अपडेट के बाद ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपको प्रॉपर 2 मिनट 59 सेकंड का एक टाइम ड्यूरेशन मिल रहा है। बट बात करें अगर दोस्तों और चीज़ों की, जैसे मोनेटाइजेशन से रिलेटेड या अर्निंग से रिलेटेड, तो वहाँ पे क्रिएटर का ही लॉस है। कैसे, वो सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बात करें अगर मोनेटाइजेशन की, तो अगर कोई क्रिएटर दोस्तों 3 मिनट तक का वीडियो शूट कर रहा है और उसे अपने चैनल पे अपलोड कर रहा है, पर उसके बाद भी उसका मोनेटाइजेशन के लिए वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, अगेन दोस्तों आपको इस 3 मिनट शॉर्ट्स में भी व्यूज गेन करने पड़ेंगे, और जब तक लास्ट 90 डेज में आपका 10 मिलियन व्यूज नहीं होता आप अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते। तो शॉर्ट्स फीड में अगर दोस्तों 3 मिनट का ड्यूरेशन आ रही है तो वॉच टाइम भी काउंट होना चाहिए था। बात करें अगर सेकंड पॉइंट की अर्निंग से रिलेटेड, तो यहाँ पे दोस्तों अगर कोई क्रिएटर 3 मिनट तक का कोई वीडियो अपलोड कर रहा है भले ही शॉर्ट्स फीड में, बट कोई क्रिएटर अगर 3 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा है तो वहाँ पे उसको अर्निंग भी दोस्तों अच्छी मिलनी चाहिए जैसे लॉन्ग वीडियो में होती है। अब अगर इसके बाद बात करें कॉपीराइट से रिलेटेड, तो यहाँ पे भी दोस्तों एक चीज आपको ध्यान देनी है कि ये जो 3 मिनट का शॉर्ट्स है इसमें कॉपीराइट की पॉलिसी शॉर्ट्स 60 सेकंड से बहुत ही अलग है। मतलब यहाँ पे यूट्यूब ने किया क्या है, यूट्यूब ने जो 3 मिनट का शॉर्ट्स है उसमें दोस्तों आपको कॉपीराइट बहुत ही रूल को स्ट्रिक्ट किया है, बट सेम हैंड अगर रेवेन्यू देखें या मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया देखें तो वहाँ पे क्रिएटर को कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। मोनेटाइजेशन भी सेम है 60 सेकंड की तरह, रेवेन्यू भी सेम है 60 सेकंड की तरह, बट यहाँ पे कॉपीराइट पॉलिसी को स्ट्रिक्ट कर दिया गया है लॉन्ग वीडियोस की तरह। तो अगर दोस्तों इसका वॉच टाइम काउंट होता या इसकी अर्निंग भी अच्छी हो जाती तो ये जो अपडेट था वो बहुत ही कमाल का होता, बट स्टिल दोस्तों जितने भी शॉर्ट्स क्रिएटर हैं उनके लिए एक बहुत ही कमाल का अपडेट है क्योंकि अब उनको प्रॉपर 3 मिनट का टाइम मिल रहा है शॉर्ट्स फीड में अपने कॉन्टेंट को अपलोड करने के लिए। और इसी के साथ वीडियो के एंड में मैं एक बोनस पॉइंट भी बता देता हूँ सभी लॉन्ग क्रिएटर्स के लिए। वो सारे क्रिएटर जो अपने चैनल पे लॉन्ग वीडियोस अपलोड करते हैं, अब होगा क्या, इस अपडेट के बाद 3 मिनट से कम की वीडियोस भी शॉर्ट्स फीड में आ जाएगी। तो अगर आप नहीं चाहते ऐसा हो और आपकी रेवेन्यू इफेक्ट ना हो, तो यहाँ पे आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जो अपडेट हुआ है इसके बाद 3 मिनट से कम की वीडियो शॉर्ट्स फीड में आ जाएगी, और उसके बाद अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो उस शॉर्ट्स का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपकी अर्निंग इफेक्ट होगी। तो अगर आप नहीं चाहते ऐसा हो तो इसके अब मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि कैसे आप इससे टैकल करोगे। यहाँ पे दोस्तों सारा जो पूरा पॉइंट है ये शॉर्ट्स एंड लॉन्ग का वो रेशियो पे डिपेंड किया है, जो एस्पेक्ट रेशियो है। तो अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी आपका 2 मिनट के अप्रॉक्स का लॉन्ग वीडियो शॉर्ट्स फीड में जाए, तो वहाँ पे आपको एस्पेक्ट रेशियो का ध्यान देना है। अगर आपका वीडियो 16:9 रेशियो का है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल रेशियो होता है, तब दोस्तों आपका वीडियो लॉन्ग फीड में जाएगा। बट अगर आप गलती से अपना कोई भी वीडियो वर्टिकल फॉर्म में शूट करते हो 9:16 या आप 1:1 में रिकॉर्ड करते हो जो स्क्वायर रेशियो होता है, तो ये दोनों ही दोस्तों रेशियो शॉर्ट्स फीड में जाएंगे, सिर्फ 16:9 रेशियो ही लॉन्ग वीडियो कहलाएगा। तो मैं सभी क्रिएटर से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी अपने चैनल पे लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं कि वो अब जो भी 3 मिनट से कम वीडियो बनाएं उसे हॉरिजॉन्टल रेशियो में ही रिकॉर्ड करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया इस 3 मिनट शॉर्ट्स अपडेट के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।